राइट विंग पोर्टल द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन के फाउंडर अतुल मिश्रा ने 30 मार्च 2022 को हिमालया कंपनी की हलाल पॉलिसी की एक तस्वीर शेयर की। पॉलिसी के मुताबिक कंपनी अपने उत्पादों में हलाल वस्तुओं का उपयोग करती है, साथ में कंपनी में एक हलाल मैनेजमेंट टीम भी है जो कि इस बात की देखरेख रखती है। यह गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ हिमालया नहीं बल्कि पतंजलि, अडानी, रिलायंस, टाटा, पार्ले, हॉर्लिक्स जैसी कई कंपनियों के पास हलाल सर्टिफिकेट है, लेकिन निशाना सिर्फ हिमालया कंपनी को बनाया जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब हिमालया कंपनी पर सांप्रदायिक रूप से निशाना साधा गया हो। पहले भी सोशल मीडिया पर झूठे और भ्रामक दावे करते हुए कंपनी पर निशाना साधा गया है। आज के इस वीडियो में ऑल्ट न्यूज आपको ऐसे ही कुछ उदाहरण दिखाएगा। जुलाई 2021 में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि हिमालया के नीम, तुलसी और लहसुन सप्लीमेंट्स में हलाल मांस पाया जाता है। ये दावा दरअसल हिमालया की ग्राहक सेवा प्रबंधक सुश्री तारा शरण चारून के एक कथित ईमेल के स्क्रीनशॉट के जरिए शेयर किया गया था। ईमेल के मुताबिक भारतीय बाजार में मौजूद हिमालया के शुद्ध हर्ब कैप्सूल सेल हार्ड जिलेटिन है। जिलेटिन कैप्सूल में फार्मास्यूटिकल ग्रेड जिलेटिन पाई जाती है जो हलाल प्रमाणित गाय की हड्डी से बनता है। ये दावा बीजेपी समर्थक संजीव नेवर और अरुण पुदुर ने ट्वीट किया था। कंपनी की वेबसाइट चेक करने पर ऑल्ट न्यूज को पता चला कि नीम, तुलसी और लहसुन सप्लीमेंट्स 100% शाकाहारी टैबलेट है, न कि कैप्सूल। हिमालया ने इस दावे को खारिज करते हुए बताया था कि भारत में मौजूद कंपनी के सभी प्रोडक्ट टैबलेट के रूप में या वेजिटेबल कैप्सूल में है। मानव उपयोग वाले किसी भी प्रोडक्ट में जिलेटिन कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हालांकि कंपनी ने 2015 के इस कथित मेल को लेकर कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक ये मेल असली था। अब बात करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि स्टेज पर भाषण दे रहे ये शख्स हिमालया कंपनी के मालिक है। इन्होंने अपने भाषण में रामदेव के खिलाफ काफी कुछ कहा। रिलायंस का पेट्रोल लेना बंद करो। पेट्रोल पंप जितने भी हैं रिलायंस के, किसी से पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं है। रिलायंस के जितने भी उत्पादन हैं, कोई उत्पादन उसका खरीदने के नहीं है। और इसके साथ साथ ये रामदेव, इस रामदेव के जितने भी उत्पादन हैं, वैसे ही बिल्कुल बेकार है। 60% से ज्यादा तो कचरा ही है और गाय और गोबर ही खिला रहा, और क्या कर रहा है वो। इसका बंद करो, इसका बंद करो बिल्कुल। तो रामदेव के जितने प्रोडक्ट हैं, इनको लेना बंद करो। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रामदेव का पैसा, अधिकतर पैसा आरएसएस के लिए हथियार खरीदने में काम आ रहा है। ये समझो तुम इस बात को, तो हमारे पैसे से हथियार खरीदे जा रहे हैं। ये वीडियो 2021 में भी इसी दावे के साथ वायरल था। वीडियो की जांच करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये शख्स देश के जाने माने वकील भानु प्रताप सिंह है, न कि हिमालया कंपनी के मालिक। भानु प्रताप सिंह ने सीएए पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद दिल्ली के मुस्तफाबाद में धरने पर बैठी जनता को संबोधित किया था, और ये उसी का वीडियो है। ऑल्ट न्यूज इनकी बातों की पुष्टि नहीं करता, न ही ऐसे भाषणों को बढ़ावा देता है। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये शख्स हिमालया कंपनी के मालिक नहीं है। ऐसा ही एक वीडियो साल 2020 में काफी शेयर किया गया था। इसके साथ दावा किया गया था कि ये शख्स हिमालया ड्रग कंपनी का मालिक है। आपके लिए काम है, बहसियत उम्मत आप ये तय कर लें कि हम हर साल एजुकेशन में अपना टारगेट पूरा करेंगे। बाबरी मस्जिद का कजी आप हार गए इसलिए कि वकील आपके नहीं थे, यकीन मानिए। नौजवान जेलों के अंदर बंद हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, और आगे ये वक्त आने वाला है कि कोई भी हिंदू आपका केस नहीं लेगा, और ऐसे मुशादात हो चुके हैं। ऑल्ट न्यूज की पड़ताल में व्यक्ति की पहचान नकी अहमद नदवी के रूप में सामने आई। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो सऊदी अरब के रियाद में एक खदान कंपनी मादेन के मालिक है। इन्होंने अपनी पढ़ाई भारत में पूरी की और पिछले 15 साल से सऊदी अरब में रह रहे हैं। हिमालया कंपनी के मालिक का बताकर एक और वीडियो शेयर किया जा रहा है। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, सेकेंडरी नंबर पे इंडिया में हिंदुस्तानी हम दूसरे नंबर पे हैं। किसी भी कानून से इस्लाम का टकराव होता है तो हम इस्लाम के साथ हैं। हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम उस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस देश के वफादार नहीं है, हम इस देश के मालिक है। मेरा कहना है कि हम इस देश के मालिक है, हम इस देश के वफादार नहीं है, इस देश के कुत्ते ही है। इस वीडियो का इस्तेमाल हिमालया की दवाओं का बहिष्कार करने के लिए किया गया है। जांच के दौरान ऑल्ट न्यूज ने पाया कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति समाजवादी पार्टी के नेता माविया अली है। ये वीडियो साल 2017 का है। सपा नेता ने उत्तर प्रदेश सरकार के विवादास्पद सर्कुलर पर टिप्पणी करते हुए ऐसा बयान दिया था।
सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह व्यक्ति हिमालय ड्रग कंपनी के फाउंडर मोहम्मद मैनल है, और साथ में यह भी आरोप लगाया गया है कि यह अपने आमदनी का 10% जिहादियों को देते हैं। इसी दावे के साथ ये तस्वीर फेसबुक पर वायरल थी। रिवर्स इमेज सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज को मालूम हुआ कि ये व्यक्ति हिमालय कंपनी के फाउंडर नहीं है, ये फिलिप हेडन है जो उस वक्त कंपनी के सीईओ थे। हिमालय कंपनी ने भी ट्वीट करते हुए इस दावे को गलत बताया था। इसके अलावा हिमालय ड्रग कंपनी के संस्थापक मोहम्मद मनल थे, जिनका 1986 में ही निधन हो चुका है। कंपनी के वर्तमान सीईओ शैलेंद्र मल्होत्रा है। यानी सोशल मीडिया पर हिमालय कंपनी को निशाना बनाने के लिए फर्जी और भ्रामक जानकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले कई सालों से हिमालय कंपनी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इस कंपनी की स्थापना एक मुस्लिम व्यक्ति ने की थी।